हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास थ्री साइंस के चैप्टर थ्री जो है हमारा एनिमल्स एंड दे आर ईटिंग हैबिट। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों कि इस चैप्टर में हम तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पहले टॉपिक हमने ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल ऑलरेडी पहले क्लास में कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं दूसरी टॉपिक जो है हाउ एनिमल्स ईट। और इसके लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर तीन ही टॉपिक है, तो इसके जो आखिरी वीडियो होगी थर्ड पार्ट, उसमें हम देखेंगे फूड चेन। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं सेकेंड टॉपिक जो है हाउ एनिमल्स ईट। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारा जो टॉपिक है हाउ एनिमल्स ईट। तो जैसे कि बच्चों देखिए, वी नो दैट एनिमल्स ईट आइदर प्लांट्स और अदर एनिमल। इससे पहले वाली क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एनिमल्स के ईटिंग हैबिट को लेकर के एनिमल्स को ब्रॉडली फोर कैटेगरीज में बांटा गया था, जैसे कि आपके हर्बीवरस एनिमल्स, कार्निवरस एनिमल, ओमनिवरस, स्कैवेंजर्स, अलग अलग कैटेगरीज है। लेकिन इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एनिमल्स क्या खाते कैसे हैं, उनके जो हाउ एनिमल्स ईट, ये हमारा टॉपिक है। तो एनिमल्स खाते कैसे हैं, ये चीज को हम देखेंगे। अलग अलग एनिमल्स और उनका खाने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर जो देखेंगे, ये जो एनिमल्स हैं वो या तो प्लांट्स खाते हैं या तो एनिमल्स खाते हैं, बट दे ईच हैव डिफरेंट वेज ईट क्या टू ईट देयर फूड। लेकिन खाते सभी हैं, फूड सभी को चाहिए। वो एनिमल्स जितने प्रकार के भी एनिमल हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरीज के हो, उनको खाना जरूरी है। और खाते भी हैं वो, लेकिन उनका जो खाने का तरीका है वो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर कुछ मैथड्स हैं, फ्यू मैथड्स आर डिस्कस बिलो। एक एक करके उनके जो खाने के तरीका है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली हम फोर टाइप्स ऑफ खाने के जो उनका जो तरीका है, उनके जो एनिमल्स के जो ईटिंग हैबिट्स है, उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो तरीका है उनका, नोइंग द फूड। तो पहला तरीका जो है, कुछ एनिमल्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि एनिमल्स लाइक रैबिट एंड स्क्वारल्स। रैबिट जो हमारे खरगोश हैं, स्क्वारल जो गिलहरी हैं, इस टाइप के एनिमल्स क्या करते हैं, दे ईट द हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक फ्रूट्स एंड नट्स। तो प्लांट के जो हार्ड पार्ट है, टाइट पार्ट है, उसे वो खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, आपके नट्स हो गए, नट्स मतलब बादाम वगैरह हो गया, या आपके सुपारी वगैरह हो गया, इस टाइप के जो फ्रूट है उसको वो खाते हैं। दिस इज वाई दे हैव ए लॉन्ग फ्लैट एंड शार्प फ्रंट टीथ, दिस हेल्प देम टू बाइट एंड च्यू देयर फूड। तो जिसके वजह से वो उसे क्या नोइंग तरीके से जो खाते हैं, उसके वजह से उनके लंबा चौड़ा और शार्प पॉइंटेड टीथ होता है। किसका, जो हमारे जो क्या एनिमल्स हैं, जैसे कि हम रैबिट कह लें या स्क्वारल कह लें, ये एनिमल्स। और दिस इज कॉल्ड द नोइंग ऑफ फूड एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड द नोअर्स। मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड को अपने शार्प टीथ, लंबे टीथ से कुतर कुतर के खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोल सकते हैं नोअर्स, ठीक है। और इनका जो खाने का हैबिट है उसको हम बोलेंगे नोइंग, ठीक है। तो ये तरीका, एक पहला तरीका हुआ एनिमल्स का फूड को खाने का, कुतर कुतर के खाने का तरीका, जो कि रैबिट और स्क्वारल फॉलो करते हैं। दूसरे तरीका है च्यूइंग द कॉड, ठीक है। च्यूइंग द कॉड मतलब कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि एनिमल्स लाइक काउ, बफालो, फर्स्ट स्वालो देयर फूड एंड लेटर दे ब्रिंग्स इट बैक इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर आवर्स, दिस इज कॉल्ड द च्यूइंग द कॉड। तो कुछ एनिमल्स हैं जो एनिमल क्या करते हैं, जैसे कि काउ, बफालो, ठीक है, भैंस है, गाय है, ये लोग क्या करते हैं, फूड को पहले खाते हैं,
उस समय वो उसको चबाते नहीं है, उसको खाते हैं। आपने भी कभी देखा होगा जिसके घर में गाय है या भैंस है, तो हम जब उसके डालते हैं कुट्टी वगैरह डालते हैं या उसको हम पुआल देते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको फटाफट से खा लेते हैं। या रास्ते में भी आप देखते होंगे गाय जब घूम रहे हैं खाते हैं, कुछ भी पेपर मिल गया कुछ भी मिल गया तो फटाफट से वो उसे खा लेते हैं। लेकिन बाद में क्या करते हैं वो उसी फूड को फिर से बाहर निकालते हैं और फिर से उसे अच्छे से चबा चबा के खाते हैं। तो ये आप बड़े क्लास में पढ़ोगे, उनके पेट में ऐसे चैम्बर बने होते हैं, अलग अलग चैम्बर होते हैं। जब वो खाते हैं तो हड़बड़ाहट में खाते हैं और वो अलग चैम्बर में डालते हैं और फिर उसे वापस बाहर निकालते हैं। जब वो फुर्सत में बैठते हैं, गाय को देखिएगा आप जब बैठे रहते हैं ग्वाल में तो बैठ के आँख बंद करके वो चबा चबा के खाते रहती है, तो वो क्या खाती है अंदर जो फूड खाए रहते हैं वो उसे फिर से बाहर निकाल के चबा चबा के फिर खाते हैं और दूसरे चैम्बर में डालते हैं। तो ये चैम्बर वाली बात, उनके फूड चैम्बर अलग अलग होते हैं, हमारे से अलग होते हैं। तो ये थोड़े बड़े क्लास में पढ़ोगे, पर यहाँ ये चीज जान लो कि जो एनिमल है जो च्यूइंग करके फूड खाते हैं उसमें उस कैटेगरी में है हमारे काव और बफालो। ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो फूड को वो खाते हैं, हड़बड़ाहट में जो भी फूड मिला वो पहले खा लेते हैं, उसके बाद में उसे फुर्सत से निकाल के उसे घंटों चबा चबा के खाते हैं और उसे दूसरे चैम्बर में डालते हैं। इस तरह से उनका खाने का तरीका होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ हाउ एनिमल इट्स, क्योंकि सभी के हम अपने फूड को अगर खा लें खा के दोबारा हम बाहर निकाल के चबा नहीं पाएंगे, लेकिन काव और बफालो ऐसे कर सकते हैं, इसीलिए इनका कैटेगरी अलग कैटेगरी में रखा गया है, जो कि च्यूइंग द कड़ी से हम कहते हैं च्यूइंग द कड़। मैं एक बार फूड खा लिए फिर दोबारा उसे निकाल के चबा चबा के फिर से खाए, ये तरीका को हम बोलते हैं च्यूइंग द कड़। अच्छा, थर्ड कैटेगरी जो है स्वालोइंग द क्या होल, स्वालोइंग मतलब निगल जाना। तो एनिमल्स लाइक स्नैक डू नॉट हैव टीथ टू च्यू, देयर फॉर दे स्वालो देयर फूड होल। आप जानते हो बच्चों, सांप का टीथ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर सांप का तो टीथ होता है इसलिए तो डंक मारते हैं, हम सुनते हैं कि सांप ने काट लिया, अगर उनका टीथ नहीं है तो सांप काटती कैसे। लेकिन बच्चों उनका जो सामने में फ्रंट में दो टीथ होता वो वेनम टीथ होता है, उनका खाने का टीथ नहीं होता। हमारे जैसे खाने के लिए हम अलग से टीथ है, उनका बस बाहर में, जैसे आप एलिफेंट का सामने जो ट्रंक होता दो दांत होता वो खाने के लिए नहीं होता। इसलिए स्नेक का भी इसी तरह से, स्नेक का भी जो दो टीथ हमको दिखाई देता है जिसे वो डंक मारती है वो खाने के लिए नहीं होता, वो जहर उगलने के लिए होता है, ठीक है, वो वेनम टीथ होता है, तो वो टीथ खाने के काम में नहीं आते हैं। तो स्नेक का जिस तरह से हम लोग देखे कि उनका टीथ होता नहीं है, देयरफॉर दे स्वालो देयर फूड होल। वो सांप क्या करती है, मेंढक वगैरह छोटे छोटे जो एनिमल है उसे पूरा निगल जाती है। कभी कभी तो बड़े बड़े जो स्नेक होते हैं आनाकोंडा टाइप के जो होते हैं, या हम बोलते हैं जो पाइथन अजगर सांप होते हैं ऐसे, तो आप गाय के जो बछड़ा होता है इतने बड़े बड़े एनिमल्स को भी निगल के खा लेते हैं। और निगल के खाने के बाद क्या करते हैं, पेड़ में जा करके ऐसे पूरा घूम जाते हैं पेड़ में, ठीक है, मोटे ट्रंक जो पेड़ का ट्रंक होता है उसमें वो पूरा घूम जाते हैं। तो ये एनिमल के जितने भी बोन्स होते हैं सारे तोड़ देते हैं ऐसे, ये जो बोन है टूट जाता है और इस तरह से वो डाइजेस्ट कर लेता है अपने फूड को। तो स्नेक का तो टीथ होते नहीं है, वो पूरा फूड को निगल लेती है। उसके बाद फ्रॉग भी एक कैटेगरी है, फ्रॉग कैचेस इट्स प्रे विथ इट्स लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, ए फ्रॉग स्वालोज एन इंसेक्ट होल। और फ्रॉग भी आप देखे हो घर में, जो कभी हम लोग देखते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जब उसके नज़दीक में आते हैं तो उनके लंबा टंग होते हैं, टंग स्टिकी माने पेस्ट, अट्ठा जैसा होता है, ठीक है, गम जैसा चिपक जाते हैं वहाँ पर इंसेक्ट, उसे वो क्या करती है स्टिकी टंग से उसे टान लेती है और टोटली जैसा फूड रहता है उसको बिना चबाए ही निगल जाती है। मतलब इसको बोलते हैं स्वालिंग द होल फूड। उसके बाद और भी कुछ कुछ है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये कैमेलियन क्या करते हैं, ऑल्सो हैज ए लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। कैमेलियंस हो गए, फ्रॉग हो गए, ये सब क्या करते हैं अपने फूड को, जैसे फूड रहते हैं टोटल फूड को ही निगल जाते हैं और उसे उस तरह से उनका डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके के एनिमल्स को, इस तरह का खाने के हैबिट को हम बोलते हैं स्वालोइंग द होल, पूरे फूड को निगल जाना, ठीक है, स्वालो मतलब निगल जाना।
ऐसे फूड को खाते हैं। हम लोग अगर इस तरह के फूड अगर खाएं, हमें बोला जाता है कि चबा चबा के फूड खाइए, अगर हम इस तरह से निगल के खाएंगे तो हमें बदहजमी हो जाएगी और हम फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वॉमिटिंग हो जाएगा। अच्छा, लास्ट कैटेगरीज है शॉकिंग द फूड, ठीक है, शॉकिंग द फूड। तो हम जैसे कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो एक पाइप लगा देते हैं, एक्स्ट्रा क्या ट्यूब लगाते हैं हम उसे, और हम उसे क्या शॉक करके उसे पीते हैं। बच्चे लोग भी जब फीडिंग कराते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी का क्या मिल्क पीते हैं तो वो शॉक करते हैं उसे, और उस क्या उसी तरह से वो फूड को लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, सम एनिमल्स टेक इन लिक्विड फूड, कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो लिक्विड फूड को लेते हैं। हम क्या सॉलिड फूड भी लेते हैं, हम दाल चावल भी खाते हैं, लिक्विड फूड भी खाते हैं, मिल्क भी लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स हैं जो लिक्विड फूड को लेते हैं, एंड दे हैव ए लॉन्ग होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन देयर माउथ, और उनके माउथ में एक लंबा पाइप के जैसा नली होता है। बटरफ्लाई इंसेक्ट इंसर्ट दिस ट्यूब लाइक क्या पार्ट इनटू ए फ्लावर एंड सक नेक्टर। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बटरफ्लाई ये जो इंसर्ट दिस ट्यूब इनटू द क्या लाइक पार्ट इनटू ए फ्लावर एंड सक नेक्टर फ्रॉम इट। तो बटरफ्लाई कभी क्या पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको ये क्या करते हैं फ्लावर के अंदर डालते हैं और वहां से उसे क्या चूस करके निकालते हैं। शॉकिंग मतलब चूसना, चूस करके नेक्टर को निकालते हैं। नेक्टर एक प्रकार का स्वीट जूस होता है बच्चों, जो कि फ्लावर में पाया जाता है, और हनी भी उसे कलेक्ट करता है नेक्टर को, जिससे हनी बनता है। तो ये बटरफ्लाई भी उस नेक्टर को खाते हैं, जो फ्रूट जो हमारे जो फ्लावर में एक प्रकार का स्वीट जूस होता है, उस जूस को नेक्टर कहते हैं, और मीठा स्वाद होता है उसका, उसे वो बटरफ्लाई हनी भी ये लोग खाते हैं। अच्छा, उसके बाद और देख लेते हैं हम, जैसे कि मस्कीटो, सभी को ही जानते हैं, आप लोग बहुत फैमिलियर हो मस्कीटो के साथ। मस्कीटो एंड लीशेस क्या पेयर्स इट इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन टू सक ब्लड, और मस्कीटो देखते हो ना, मस्कीटो के लंबे लंबे दो क्या स्ट्रक्चर जैसा निकले रहते हैं, उनके पाइप जैसा निकले रहते हैं, और वो आकर के मच्छर क्या करते हैं हमें बैठ जाते हैं बॉडी में, और वहाँ पर अंदर डालते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं उनके जो दो स्ट्रक्चर रहते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है, उसे क्या करते हैं इंसर्ट कर देते हैं हमारे बॉडी में, और वहां से वो शक करते हैं, क्या चीज शक करते हैं ब्लड को, ब्लड को चूस करके निकालते हैं। जब हमारे अंदर डालते हैं और हमें वो जो चूस के निकालते हैं, तभी हमें पेन होता और हम मच्छर को मारते हैं। इसी तरह से जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारे बॉडी में इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद जब मेडिसिन अंदर जाती है तब हमें बहुत पेन होती है। इसी तरह से जब मस्कीटो हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट करती है अपना ट्यूब को और वहां से जब ब्लड टांगती है तब हमें पेन होता है और पता चलता है, तभी हम मच्छर को मारते हैं। तो इस तरह से वो ब्लड को शक करके खाती है, मतलब वो लिक्विड फूड को खाती है। अच्छा, उसके बाद और क्या है देख लेते हैं हम, सम एनिमल्स लाइक द डॉग्स एंड कैट्स, कुत्ते और बिल्ली भी ऑल्सो ड्रिंक लिक्विड फूड लाइक मिल्क। तो कुत्ते बिल्ली सॉलिड फूड भी खाते हैं लेकिन लिक्विड फूड को भी खाते हैं। हम जैसे ग्लास में पीते हैं लिक्विड फूड को, कुत्ते बिल्ली ऐसे पी नहीं सकते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं उसे चाट चाट के खाते हैं, लिक्विड फूड को चाटते हैं। आपने कभी देखा होगा कुत्ता बिल्ली वो फूड को ऐसे चाटते हैं, लिक्विड फूड को स्पेशली, तो चाट के वो खाते हैं। और दे यूज देयर टंग टू लैप अप मिल्क और वाटर, वो पानी को या मिल्क को खाने के लिए क्या करते हैं उसे चाटते हैं, उसको क्या बोलते हैं लैप अप मिल्क। तो इस प्रकार के एनिमल द मेथड ऑफ टैकिंग इट इन लिक्विड इज कॉल्ड द लैपिंग। तो कुत्ते और बिल्ली जो मिल्क या लिक्विड फूड, खास करके मिल्क नहीं, कोई भी लिक्विड फूड को, जैसे कि मिल्क यहाँ एग्जांपल लिया गया, कोई भी लिक्विड फूड को जब वो खाते हैं तो उसे चाट चाट के खाते हैं, वो पी नहीं सकते, हमारे जैसा पी नहीं सकते, तो वो चाट चाट के खाते हैं। इस प्रकार का खाने का जो तरीका है, ये एनिमल्स का ईटिंग हैबिट जो है, इसे हम बोलेंगे लैपिंग। क्या बोलेंगे? लैपिंग। तो ये हमारा जितने भी फोर कैटेगरीज थे हमने यहाँ पर देख लिए, पहले क्लास में हमने देख लिए थे उनके जो ईटिंग हैबिट्स है, यहाँ पर ईटिंग जो खाने का जो तरीका है वो हमने देख लिए कि कैसे कैसे एनिमल्स खाते हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल अलग अलग ढंग से खाते हैं, सबका खाने का ढंग अलग 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 है, एक जैसा नहीं है। तो हमारे चार जो यहाँ पर तरीका थे वो हमने पूरा डिस्कस
कर लिया है। तो इस तरह से हमारा सेकंड टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके जो थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है फूड चेन, इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आज का क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, व्हाट इज द लॉन्ग थीन एंड होलो ट्यूब इन बटरफ्लाई कॉल्ड। जितना भी मैंने पढ़ाया यहाँ पर हम लोग पढ़े कि बटरफ्लाई का लॉन्ग थीन होलो ट्यूब होता है, तो उस ट्यूब को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप अगर ध्यान से अच्छे से अगर देखेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल ही जाएगा। और आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर फूड चेन के बारे में। मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि अपकमिंग वीडियो आपकी जो होगी वो फूड चेन के लिए, फूड चेन को लेकर के होगी, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।